Ir Jonas, Germo Brionas, Malame Jonas, Bobė Dandonas, Zete Mėmonas, Dolvas. Hello and welcome to a brand new episode of Foodie and the Feast Season 2. You know, मैंने अफगानी कुजीन के बारे में बहुत सुना है और आज मुझे एक्चुअली वो ट्राई करने में मिलने वाला है. आज मैं आया हूँ टू द मिनी काबुल और लिटिल काबुल ऑफ इंडिया विच इज़ इन द लाजपत नगर एरिया ऑफ दिल्ली. और आप भी चलिए मेरे साथ, कम. यू नो, दिल्ली होता है तो पराठे तो बनते ही हैं. आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग एन अफगानी आलू पराठा. द अफगानी पराठा इज कॉल्ड द बुलानी. तो मैं ये डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ. और ये रहा मेरा बुलानी. ये बहुत बहुत ही बड़ा पराठा. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पराठा आई हैव ट्राइड. इट्स क्वाइट अ बिग बाइट. देयर यू कैन सी सम ऑफ द आलू आई हैव गॉट. सो आई एम गोइंग टू डिप इट इन दिस. हियर वी गो. दिस चटनी इज द बॉम्ब. इट इज सो सो गुड. स्पाइसी, sour, it's sweet, it's garlicky. The potatoes are nice, simple potato filling. And this is a nice crunchy flaky paratha. Bahut bahut hi acha hai. Ye hai Afghani chicken soup. As you can see, the color is really nice. ये थोड़ा वो स्वीट कॉर्न सूप जैसे लग रहा है, बट इट्स वेरी डिफरेंट. इसमें क्या क्या डलता है? इसमें जो काबली चना है, गंदम है, चिकन है, चिकन है, चिकन मसाला है. ओके, वो मसाले की वजह से ये कलर है. हाँ, ये कलर है. दैट लुक्स रियली गुड. सुपर, थैंक यू. काली मिर्च है ओ, ये ओ काली मिर्च है. इसमें सिरका है. ये रहा अफगानी चिकन सूप. इट्स सुपर फ्रेश. बिग स्पूनफुल. दिस इज सो सो नाइस. यू गॉट अ लॉट ऑफ दैट पेपर. यू नो, देयर्स दैट हिट ऑफ एसिडिटी एंड थोड़ा खट्टा है. यू नो, देयर्स दैट थोड़ा स्पाइस है एंड में. All the flavors. This is soul food. ये ऐसा एक बड़ा सा बोल मिल जाए ना, यू आर वेरी हैप्पी. मैं तो बहुत खुश हूँ यार. ये बहुत बहुत ही अच्छा है. ओके, आप लोगों ने शायद वो गाना सुना होगा अफगान जलेबी, पर मैं एक्चुअली अफगान जलेबी आज ट्राई करने वाला हूँ. तो ये रही वो अफगान जलेबी. ये अपने नॉर्मल जलेबी से थोड़ी बड़ी है साइज में और कलर भी थोड़ा लाइट है इसका. तो ये मैं अब ट्राई करना. क्रिस्पी, थोड़ा सा अलग है अपने नॉर्मल जलेबी से. कम मीठा है, विच इज़ व्हाट आई लाइक. एंड सी द साइज, इट्स डिवाइन. तो ये रहा मेरा स्पेशल अफगानी बर्गर. इट्स मोर लाइक अ शॉर्मा और अ वेरी बिग रोल, पर इट लुक्स डिवाइन. और मैं ये ट्राई करने वाला हूँ. फुल ऑफ फ्लेवर इन दैट वन बाइट. चिली सॉस है, मेयो है. यू नो, इट्स फ्रेश बिकॉज देयर इज क्यूकम्बर, कैबेज, देयर इज एग. बहुत सारा कुछ डाला है इसमें. इट्स अ बिग बाइट ऑफ यमी टेस्टी फूड. एंड देयर इज दैट यू नो स्पेशल चाट मसाला विच इज पुट, विच रियली एलिवेट्स इट.
में जो चल रहा था लाजपत नगर में, मैंने ये जगह देखी जहां वो ब्रेड्स और नान बनते हैं और इसे बोलते हैं नान भाई बोलते हैं। और ये हमारे स्टार यहाँ के शाहरुख भाई, थैंक यू। तो मुझे थोड़ा बताएंगे यहाँ कैसे कैसे ब्रेड और नान बनते हैं? यहाँ हर किस्म का रोटी बनता है, जैसे कश्मीरी भाषा में इसको लवासा बोलते हैं और हमारे भाषा में इसको बोलते हैं पराकी। इसको बोलते हैं गोल अफगानी रोटी। ऑयल की भी रोटी बनती है, तीन चार किस्म की रोटियां बनती है। यू नो, यहाँ बेहतरीन खुशबू तो आ ही रही है, तो पहले मुझे बताइए कि नान भाई का मतलब क्या है? नान भाई का मतलब ये कि रोटी बनाना। अच्छा, रोटी बनाना। हाँ, रोटी बनाना, उसको सप्लाई करना। हाँ। यही तो जो लोगों के जैसा दुकान है। हाँ। सुपरमार्केट। हाँ। जैसा। हाँ। ऐसा ही है। तो यहाँ से सारे वो नान वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं। और ये जो पीछे तंदूर है, इसमें सारे वो नान और रोटियां बनती हैं? हाँ, इसमें सभी नान रोटियां इसमें ही बनती है। इसमें। और ये कितना पुरानी? काफी पुराना। और हर एक साल में, हर छह महीने में इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है। हाँ भाई। और ये तो मतलब ऐसा तंदूर तो मैंने पहले देखा नहीं है। सो दिस इज स्पेक्टेक्युलर, एज ऑथेंटिक एज इट गेट्स। तो शाहरुख भाई, मुझे बताइए लगभग दिन में कितने नान या रोटियां बनती हैं? यहाँ लगभग कुल मिला के 1000-1100। ओके, दैट्स अ लॉट। एंड ये डेली चलते ही रहता है इस बड़े से तंदूर में। एंड आई एम वेरी लकी टू बी हियर एंड विटनेस दिस। ये लवासा रोटी है। लवासा रोटी एक मस्त रहता है। अरे थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार ही अच्छा लगा मुझे। फ्रेश आउट ऑफ द तंदूर एंड सच लवली पीपल, और क्या चाहिए। आई एम गोना गो, आई विल सी यू सून। थैंक यू। लाजपत नगर का अफगानी स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद मेरी नजर गई यहाँ के वन ऑफ द फेमस अफगानी रेस्टोरेंट्स काबुल दिल्ली पर, और मैं तुरंत चल पड़ा मेरे अगले डेस्टिनेशन। तो मेरा अफगानी स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस हो चुका है और अब मैं आया हूँ इस वेरी नाइस एंड क्वेंट रेस्टोरेंट विच इज कॉल्ड काबुल दिल्ली। यस। और मैं बैठा हूँ अहमद भाई के साथ और अशफन भाई के साथ, हु आर द को-फाउंडर्स ऑफ दिस प्लेस। सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आया। मुझे कुछ इसके आप जगह के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ। दरअसल ये मेरे पार्टनर हैं। हाँ। हशमतुल्ला। 2008 में जब हम लोगों ने अपना कॉलेज क्लियर किया, ये वहाँ से आए। हाँ। हमारी मुलाकात यहाँ एक हॉस्पिटल में हुई। ओके। फिर उसी वक्त हम लोगों ने इनके बड़े भाई के साथ। हाँ। और इनके साथ। हाँ। प्लान किया कि यहाँ हम लोगों को एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहिए। रेस्टोरेंट शुरू करने की वजह वही हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में बहुत सारे अफगानी पेशेंट्स थे, लेकिन उनकी अक्सर उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको अफगानी फूड यहाँ नहीं मिलता था। हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो ज़्यादातर स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर हम लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट शुरू किया जाए। फिर हम लोगों ने एक छोटे से सेटअप से इसको स्टार्ट किया सन 2009 से। ये लग ही रहा है इतना बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कुक हुआ ऐसे लग रहा है, बिकॉज इट इमीडिएटली फेल ऑफ द बोन। मैं जो चाकोल की जो टेस्ट है ना, और जैसे अहमद भाई ने बोला गोश्त का जो टेस्ट है, इसमें बिल्कुल स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। एज इज जो भी है बहुत ही अच्छा, एंड सो सॉफ्ट, वेरी जूसी, बहुत ही अच्छे से तरह कुक हुआ है। अब मैं क्या ट्राई करूँ उसके बाद? नेक्स्ट हम जाते हैं काबुली उज़्बेकी की तरफ। काबुली उज़्बेकी। ओके, ये इसका नाम ऐसा क्यों है फिर? उज़्बेकी इसको हम इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ अफगानिस्तान में। हाँ। ये ज़्यादा वहाँ की स्पेशल। ओके। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स है और मटन। हाँ। राइस, ये सब मिक्स होते हैं। तो काबुली, कुछ लोग इसको काबुली पुलाव बोलते हैं। हाँ। It looks really nice and colorful. It's so nice. You know, raisins, ये जो dry fruits है वो मिठास है उसमें. Even the carrots are very well cooked. The rice is shiny and you know so well cooked. And with the mutton, तो लाजवाब, क्या ही.
काबुल दिल्ली में आने का मतलब ये देखिए कि दिल्ली काबुल और दिल्ली कैसे एक साथ साथ है साथ है करेक्ट। तो और बैठ के खाने का टेस्ट लीजिए, साथ में बैठ के खाने का क्या मजा है वो एंजॉय कर लीजिए। अफगानी कल्चर, अफगानी कल्चर सब यहाँ एंजॉय कीजिए, सब यहाँ मिलेगा बिल्कुल। और ये बेहतरीन लोग भी यहाँ होंगे तो प्लीज़ यहाँ यू दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस एंड आई हैव टू से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो दिस इज़ बीन माई अफगानी फीस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंडिंग एट काबुल दिल्ली। आई हैड एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बाकी वीडियोज़ भी देखिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अब मैं ये सब फिनिश करूँगा, आप देखते रहिए और यहाँ विज़िट कीजिए। यू गाइस टेक केयर, सी यू।